यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। उस दिन संडे चर्च खत्म होने के बाद सब विश्वासी लोग पास्टर से प्रार्थना कर रहे थे और चर्च में एक हस्बैंड वाइफ था। वो हस्बैंड वाइफ सबसे जाके मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा परिवार के लिए प्रार्थना करो, मेरा ये दिक्कत है, मेरा ये परेशानी है, हमारे पास काम नहीं है, खाने पीने की कमी है, ऐसे करके वो हस्बैंड वाइफ सबको बता रहे थे, प्रार्थना करने के लिए सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये हस्बैंड वाइफ सभी हफ्ता सभी संडे ऐसे ही करते थे, सभी संडे अपने लिए प्रार्थना करने के लिए सबको बोलते थे, हर संडे प्रार्थना रिक्वेस्ट करते थे। ये हस्बैंड वाइफ सबसे प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये नजारा पास्टर भी देख रहे थे। पास्टर ने वो हस्बैंड वाइफ को अपने पास बुलाया और खड़ा करके उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद पास्टर ने बोला, भाई बहन आज रात को हमारा घर आना पड़ेगा आपको, आपके लिए हम अच्छा सा खाना बना के रखेंगे, हम आपको दावत देते हैं, आप भूखे रहना, खाना मत खा लेना, कि बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के आपके लिए हम रखेंगे, वही खाना आपको खाना पड़ेगा, जरूर आना मेरा भाई बहन, सही 8 बजे रात को आ जाना। ऐसे करके पास्टर ने उस हस्बैंड वाइफ को पास्टर ने दावत दिया और रात को खाने के लिए बुलाया। वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हो गए, अरे पास्टर ने हमें खाने पे बुलाया रात को, ऐसे करके दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हो गए। रात को 8 बजे तक उन दोनों ने कुछ नहीं खाया, भूखे ही थे क्योंकि पास्टर के घर में उनको अच्छा सा खाना था, इसीलिए वो दोनों भूखे ही थे। सही 8 बज गया और दोनों ने पास्टर के घर गए और दरवाजे को खटखटाया। पास्टर ने दरवाजा खोल के उन दोनों को अंदर बिठाया। बहुत अच्छा अच्छा खाना था, नॉन वेज भी था, चावल था, बिरयानी था, रोटी था, बहुत अच्छा अच्छा खाना था। हस्बैंड वाइफ को बहुत भूख भी लग रहा था क्योंकि काफी देर से उन्होंने कुछ नहीं खाया। पास्टर ने अपने पूरा फैमिली के साथ उस खाने के लिए प्रार्थना किया। पास्टर प्रार्थना करने के बाद अपने सारा फैमिली लोग को बुलाया, सबको खाना खाने के लिए बोला और पास्टर भी खाना खाने लगे। पास्टर ने वो हस्बैंड वाइफ को देख के बोला, भाई बहन आप दोनों खाने को हाथ मत लगाओ, आप दोनों मत खाना खाना, क्योंकि आप दोनों का खाना हम लोग खाएंगे, जो आप दोनों आज रात को खाना खाएंगे ना, वो खाना आप लोग नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खाना हम लोग खाएंगे, ऐसा करके पास्टर ने बोला। ये पास्टर के बात सुन के वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैरान हो गए, उनको एकदम शौक लग गया, अरे पास्टर तो हमें खाने पे बुलाया है और एकदम भूखा रहने के लिए बोला है, यहाँ पर तो बहुत अच्छा अच्छा खाना भी रखा हुआ है, हमें पास्टर ने भूखा रह के आने के लिए बोला है, अभी पास्टर बोल रहे हैं हमारा खाना पास्टर खाएंगे, ये कैसे हो सकता है। वो दो लोगों ने पास्टर से पूछा, पास्टर जी आप तो हमारे लिए दावत में बुलाया है और भूखा रह के आने के लिए बोला है, अच्छा सा खाना देने के लिए बोला है, हम तो पूरा एकदम भूखे थे, खाना भी नहीं खाए, आपने बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के भी रखा हुआ है और हम लोग को बिठा के भी रखा हुआ है और हमें खाना खाने के लिए मना कर रहे हैं। पास्टर जी आप बोल रहे हैं हमारा खाना आप लोग खाएंगे, ये कैसे हो सकता है पास्टर जी, हमारे लिए आप खाएंगे तो हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारा भूख कैसे जाएगा पास्टर जी, हम जिंदा कैसे रह सकते हैं पास्टर जी, भूख तो हमें लग रहा है पास्टर जी, खाना तो हमें खाना पड़ेगा ना पास्टर जी, हमारा खाना आप खाएंगे तो हमारा भूख कैसे जाएगा पास्टर जी, ऐसे करके दोनों लोग ने पास्टर से पूछने लगे। पास्टर ने जवाब दिया, मेरा प्यारे बहन भाई ऐसा है, आप दोनों बहुत साल से हमारा चर्च आते हो, बहुत साल से आप दोनों को मैं देख रहा हूँ, हर संडे आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आप लोग सबको बोलते हो, ये मैं भी देखता हूँ, हर संडे ये नज़ारा मैं देखता हूँ, मेरा मसीह में भाई बहन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं रहना है, कोई परेशानी नहीं रहना है, कोई उदार जिंदगी नहीं रहना है, कोई कमी नहीं रहना है, तो आपके लिए आपको ही प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं सबको आपको प्रार्थना करने के बोल के आप आराम से रहेंगे, ये बात अच्छा नहीं है, जैसे ये खाना रखा हुआ है आपको भूख भी लग रहा है, अगर आपका खाना मैं खाऊंगा तो आपका भूख कैसे जाएगा। आपको सोचना है मेरा मसीह में भाई बहन, आपका दिक्कत के लिए, आपका परेशानी के लिए, आपके उदार के लिए आपको भी रो रो के घुटनों में रह के प्रार्थना करना है, आपको बाइबल पढ़ के प्रार्थना करना है, उपवास रह के प्रार्थना करना है, घुटनों में रहना है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता था।
जैसे आपके पेट के लिए आपको खाना पड़ेगा, ऐसे ही आपको लाइफ के लिए आपको घुटनों में रह के प्रार्थना करना पड़ेगा। सब विश्वासी लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी अपने लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, आप भी अपने लिए घुटनों में रहना पड़ेगा, आप भी अपने लिए रो रो के प्रार्थना करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका दुख दूर होगा, आपका परेशानी दूर होगा। आप लोग घबराना नहीं, आप अच्छा सा खाना खाओ, पेट भर के खाना खाओ। ये बात आपको समझाने के लिए आज रात आपको दावत में बुलाया है मेरा मसीह में भाई बहन। अब घबराना नहीं, खाना खाओ और आज से अपने लिए खुद प्रार्थना करो। ऐसे करके पास्टर ने जवाब दिया, मेरा मसीह में भाई बहन। अब हम बाइबल से वचन पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लें कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। फिलिप्पियो 4:6 हम पढ़ेंगे, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। आमीन, हालेलुया।